ठीक है, Here two positive, here three positive, SO4 two positive, negative, H plus और OH minus बना लिया, है ना? Aqueous medium में dissolve होने के बाद double salt क्या कर रहा है? पूरा dissolve हो जा रहा है, ठीक है ना? लेकिन one type से ज़्यादा क्या है? Cation है, one से ज़्यादा anion है। लेकिन जो है coordination complex का example लेते हैं, क्या होगा example? K4 FeCl6 अगर इसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये K+ और FeCl6 में क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है। यानी इसका एक बड़ा पार्ट क्या हो रहा है कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। K4 FeCl6 है ना, तो K+ बनाया, FeCl6 बनाया, इसका एक बड़ा पार्ट डिसॉल्व नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये आप लोग बोलेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग बनाया हुआ है, इसी को बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना? उसके बाद से हम लोग डिस्कशन किए थे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिस्कशन किए थे क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होता देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को तीन पार्ट में डिवाइड किए थे। एक तो न्यूट्रल चार्ज था, एक न्यूट्रल चार्ज, एक निगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स, एक पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स। तो न्यूट्रल चार्ज कॉम्प्लेक्स जो था, जैसे NiCO4 हो गया, NiCO4 ये न्यूट्रल चार्ज, इस कॉम्प्लेक्स को देखिए कोई चार्ज है नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है ना? निगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है FeS2O, FeS2O6 है, ठीक है ना? और इसमें क्या आ जाए, और नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव कैसे आएगा? जब यहाँ पे K4 लेंगे, FeCl6 लेंगे, यहाँ पे FeCl6 4 नेगेटिव, ये इस कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, इसे हम कह रहे हैं क्या? नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, ठीक है ना? और इस कॉम्प्लेक्स पे क्या है? FeS2O6 3 पॉजिटिव, इसलिए हम कहेंगे क्या? पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए बोलेंगे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। एक तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, एक निगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है, एक पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है, ये आपने पढ़ा था। उसके बाद से देखा था कि जो एक कॉम्प्लेक्स है, जैसे K4 FeCl6, ये कॉम्प्लेक्स है K4 FeCl6, तो यानी इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, क्यों? नंबर ऑफ लिगेंड, ये लिगेंड है, यानी Cl जो है क्या है? लिगेंड है, ठीक है? लिगेंड कितने नंबर से जुड़ा हुआ है, उसको बोले कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे जो पॉइंट था उसको लिगेंड बोल देते, यहाँ पे जो था सेंट्रल मेटल बोल देते, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है उसको बोल देते काउंटर आयन, और ये क्या बोल देते जो बड़े ब्रैकेट में उसको क्या बोल देते? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल देते, है ना? फिर एक एक करके इसकी स्टडी कर रहे थे कि ये क्या है, ये लिगेंड है। तो लिगेंड का हम लोग डेफिनेशन देखे कि कोई भी मॉलिक्यूल या आयन विच हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हैव टेंडेंसी टू डोनेट अ सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड लिगेंड। यानी एक लोन पेयर, एक मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता हो, उसको क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड कितने टाइप के थे? मोनोडेंडेट और पॉलीडेंडेट। तो मोनोडेंडेट लिगेंड मतलब कि सिंगल डेंडेट, मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता था, उसको मोनोडेंडेट बोलते थे, ठीक है ना? फिर उसके बाद से पॉलीडेंडेट को डिवाइड कर देते, किसमें? बाइडेंडेट में, ट्राइडेंडेट में, टेट्राडेंडेट में, पेंटा, फिर पेंटा, फिर हेक्सा, और फिर एमबी और फ्लैक्सी, ठीक है ना? बाइडेंडेट का एग्जांपल लिखा है, देखिए कॉपी में, ईएन था, एथिलीन डायमीन था, ठीक है, ऑक्सीनेटो था, ग्लाइसिनेटो था। फिर ट्राइडेंडेट में एग्जांपल लिखवाए थे डाइन का, डाइएथिलीन ट्राइएमीन। फिर टेट्राडेंडेट में एग्जांपल लिखवाए थे ट्राइन का, ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन। पेंटाडेंडेट में लिखवाए थे EDTA3- का, एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसिटेट लिखवाए थे। फिर हेक्साडेंडेट में लिखवाए थे क्या? EDTA4- एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटेट, ठीक है ना? फिर आप पढ़े थे एम्बीडेंडेट। एम्बीडेंडेट क्या होता है? Cl- NC- Cl में एम्बीडेंडेट क्या होता है? ऐसा कोई लिगेंड जिनके पास दो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन हो लेकिन एक समय में एक ही डोनेशन हो रहा हो, ठीक है ना? उसको क्या बोलते थे? एम्बीडेंडेट लिगेंड। जैसे यहाँ पे लिगेंड है, इसके पास यहाँ भी है, यहाँ भी, जैसे Cn है। Cn एक एग्जांपल वो करता था एम्बीडेंडेट में कि जो मेटल से अगर C से जुड़ रहा है, एक बार मेटल से N से जुड़ रहा है, NC, ठीक है ना? यहाँ पे N से जुड़ता है, यहाँ पे C से जुड़ता है, ठीक है? तो जब ये N से जुड़ रहा है तो हम बोल
साइनो और सी से जुड़ता था इसको बोलते थे आइसोसाइनो। ठीक है, ये एम्बिडेंटेट का एग्जांपल हो गया। किसका एग्जांपल हो गया? एम्बिडेंटेट का एग्जांपल हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे फ्लेक्सिडेंटेट की जो मोनोडेंटेट लिगैंड होते हैं वो कभी कभी किसी बड़े मेटल के साथ क्या करते हैं बाइडेंटेट का काम करते हैं और छोटे स्मॉल एटम के साथ मोनोडेंटेट का काम करते हैं। ठीक है ना। तो जब बड़े मेटल होगा तो क्या करेगा बाइडेंटेट का काम करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे फ्लेक्सिडेंटेट बोलेंगे। है ना। ये हुआ लिगैंड समाप्त। ठीक है, लिगैंड खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटल, यानी कि यहाँ पे मेटल का काम कौन करता है। यहाँ पे मेटल का काम जो है कौन करेगा, मेटल का काम कौन करेगा? देखिए सेंट्रल मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट में आपको पढ़ेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट में आपको क्या पढ़े, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पढ़े ना, 3D सीरीज, 4D एंड 5D सीरीज सीरीज पढ़े थे। तो जितने भी 3D सीरीज होंगे, 4D सीरीज होंगे, 5D सीरीज होंगे, 6D सीरीज का जो मेटल होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक का जो मेटल होगा ना यहाँ मेटल का काम करेगा। ठीक है ना, यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट ही मेटल का काम करेगा। क्यों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है? क्योंकि इसके पास वैकेंटिटी ऑर्बिटल है। ठीक है, डी ब्लॉक क्यों बना रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड? भाई इसके पास क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो जोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। ठीक है ना, इसलिए क्या कर रहा है ये बॉन्ड बना रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल है। डी क्या होता है पॉजिटिव फील्ड होता है ना। देखिए इस कैंडे में D1 इलेक्ट्रॉन है, केवल 9 इलेक्ट्रॉन खाली है यहां पे। अब टाइटेनियम में D2 है, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, खाली है, वैकेंट ऑर्बिटल है। स्कैंडियम टाइटेनियम बैरियम में, क्रोमियम में, मैग्नीज में, आयरन में, ये सब में क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है। इसलिए यहाँ पे हम कहें कि कोऑर्डिनेशन मेटल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल कौन होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके नामकरण, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इसका नामकरण। अच्छा, ये तीन टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाए थे ऑन द बेसिस ऑफ चार। जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता, आप समझिए बैठ के, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता वो तीन टाइप का ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी कि जो ब्रैकेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल आ रहा है तो न्यूट्रल चार्ज कॉम्प्लेक्स, है ना। यानी एक NiCO4 है, यहाँ पे Fe2O6 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे Fe3O6 4 निगेटिव, तीन कॉम्प्लेक्स आपके सामने बने हुए हैं। ठीक है ना। अब इसका नामक्लेचर करना है, इसका नाम लिखना है। ठीक है, इसका क्या करना है आपको नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए न्यूट्रल और पॉजिटिव का एक रूल अपनाएंगे और नेगेटिव का अलग रूल अपनाएंगे। अलग रूल में क्या होगा कि यहाँ पे मेटल का नाम जो है ना, जो नाम है वही लिख देंगे। जैसे निकिल है तो निकिल लिख दिया, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख दिया। यानी कि मेटल का नाम हम लिख रहे हैं पॉजिटिव एंड न्यूट्रल में, निकिल का नाम क्या लिखेंगे निकिल, स्कैंडियम का नाम क्या लिखेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम का नाम क्या लिखेंगे टाइटेनियम। ठीक है, मैंगनीज का नाम क्या लिखेंगे मैग्नीज। अच्छा, कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है कि नहीं, कि वैसे लिखते रहे, वैसे लिखते रहे, कुछ चेंज तो कर नहीं रहे। और लेकिन निगेटिव चार्ज वाले कॉम्प्लेक्स में, निगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स में हम लोग अगर स्कैंडियम है ना तो यहां लिखेंगे ईएम हटाएंगे, इसमें से अगर स्कैंडियम है
माइनस कर देंगे और जोड़ क्या देंगे 8। अब क्या हो जाएगा इसका एंड 8 क्या हो जाएगा नेगेटिव वाले में इसका एंड 8 हो गया। वैनेडियम का ईएम हटाइए क्या हो जाएगा वैनेडेट तो ऐड करके वैनेडियम का कितने वैनेडेट। मैग्नीज का बताइए मैग्नेट। जिंक का बताइए जिंकेट। आयरन का बताइए फेरेट। पीपी का बताइए प्लमेट। आयरन का फेरस होता है फेरस होता है प्लस टू फॉर्म में तो फेरेट बोल देंगे ठीक है। और यहां पे आयरन का क्या लिखेंगे एफई का यहां पे आयरन लिखेंगे ठीक है। जैसे आयरन आयरन होता है एफई एफई है आयरन है ठीक है। लेकिन जब प्लस टू स्टेट में जाता है ना तो फेरेट है और प्लस थ्री स्टेट में जाता है तो फेरिक है ठीक है। प्लस टू स्टेट में क्या है फेरेट प्लस थ्री स्टेट में क्या है फेरिक। तो यहां पे बताइए और नाम बताइए कोबाल्ट का क्या हो जाएगा कोबाल्ट का क्या हो जाएगा कोबाल्टेट। कोबाल्ट का क्या हो जाएगा कोबाल्टेट ठीक है। और बताइए निकलेट निकल का निकलेट। सब में एट एट लगाते जा रहे हैं ठीक है। तो ऐसे बता सकते हैं ऐसे लिखिएगा ऐसे लिखिए कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए IUPAC नाम है लेक्चर हेडिंग लगा दीजिए नाम एंड क्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
क्या कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब हम नॉमेनक्लेचर लिख रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स साल्ट है ना, ये भी तो एक टाइप का साल्ट ही तो है भैया। कोऑर्डिनेशन पढ़ाने से पहले हमने क्या इसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स किसको बताया कि साल्ट दो टाइप का, कौन-कौन सा सिंपल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट दो टाइप का, कौन-कौन सा डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी तो एक टाइप का साल्ट है ना। क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एक टाइप का साल्ट है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा बताइए। यहाँ पे कोई सीएल थ्री होगा तो ये वाला टूटेगा तो थ्री पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा है ना। और ये फोर माइनस कैसे आया होगा, यहाँ पे केवल ये फोर हुआ होगा तब जगह आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ से बनेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से बनेगा, न्यूट्रल में तो कोई चार्ज ही नहीं है। आप देखिए नॉमेनक्लेचर लिखने में क्या होता है, सबसे पहले हम नाम लिखते हैं लिगेंड का, ठीक है। तो यहाँ एक नॉमेनक्लेचर का हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, एक फॉर्मूला हो गया कि लिगेंड का नाम जो है पहले लिखेंगे, ठीक है। लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे और उसके बाद से क्या लिखेंगे, प्लस मेटल का नाम, ठीक है ना। अच्छा मेटल, मेटल का नाम लिख रहे हैं तो मेटल को देखना होगा कि मेटल पॉजिटिव चार्ज का है कि न्यूट्रल का है, कि मेटल निगेटिव चार्ज का है, ये तो आपको पता हो गया। अगर निगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स का मेटल है तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड लगा देंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल का है तो कुछ नहीं लगाएंगे, यही ना। और मेटल लिखने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे उसका रोमन नंबर, ठीक है। क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद ये जो आगे काउंटर आया था ये क्या है, काउंटर है, उसको लिख देंगे काउंटर है, ठीक है। और काउंटर आयन जो है इस साइड भी हो सकता है और काउंटर आयन इस साइड भी हो सकता है। हमने बताया था कि जो बड़ा ब्रैकेट है इसके बाहर वाले को क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। तो यहाँ पे इस बड़ा ब्रैकेट है इसके बाहर वाले को क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। जब काउंटर आयन आए हैं ना तो यहाँ पे भी हम पहले काउंटर आयन लिख देंगे। तो एक नॉमेनक्लेचर लिखने का एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। यानी अगर काउंटर आयन तो काउंटर आयन लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद से क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम, और लिगेंड के बाद मेटल का नाम, मेटल के बाद काउंटर आयन का नाम, है ना। अब देखिए लिगेंड मान लीजिए यहाँ पे तो एक ही लिगेंड लिख रहा है, H2O लिख रखा है, और हो सकता है दो लिगेंड आ जाए एक ही साथ, H2O भी आ जाए और Cl2 भी आ जाए, H2O भी आ जाए यहाँ पे और Cl भी आ जाए। तो अब क्या करें, किसको पहले लिखें, अल्फाबेटिकल। तो यहाँ पे लिख देंगे लिगेंड जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। और कितने नंबर में है, यहाँ पे कितना नंबर है, सिक्स नंबर, तो सिक्स को हेक्सा, वन को कुछ नहीं वैसे हम ही लिखते हैं, या तो मोनो लिखते हैं वन को, और टू को, सी को, चार को, पांच को, छह को, ठीक है। ये नोट करिए,
गया। इसका नाम बताइए जो यहाँ पे सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे ये ब्रैकेट है, कोई काउंटर एंड है नहीं है तो काउंटर एंड का नाम लिखा जाएगा, फिर किसका नाम लिखते हैं लिगैंड का, और लिगैंड कितने लिगैंड है यहाँ पे, क्या नाम हो जाएगा टेट्रा, और सीओ को क्या बोलते, सीओ क्या मोनोडेंडेट है, और मोनोडेंडेट में सीओ लिखा था आपने तो क्या नाम लिखा था कार्बोनिल नाम लिखा है ना मोनोडेंडेट में, फिर वापस जाना होगा देखना होगा नाम कार्बोनिल, तो क्या हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल, और ये न्यूट्रल चार्ज है निकिल में निकले जोड़ेंगे ना जोड़े तो क्या लिखते हैं निकिल, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है जीरो, ठीक है ब्रैकेट में इसका नाम ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल लेंगे, एक्स निकिल का एक्स, और सीओ का कितना चार्ज होता है सीओ पर जीरो चार्ज, तो चार जीरो तो जीरो हो गया, इक्वल टू जीरो हो गया, तो एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, नोट करिए ये समझ में आया आपको। इसका नाम हो जाएगा Fe2O6Cl3, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, Fe का क्या हो जाएगा X, जिसका निकालना होता है उसको X कर देते हैं, और वाटर पे कितना चार्ज होता है जीरो, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, माइनस Cl पे कितना चार्ज होता है माइनस वन, तो तीन Cl पे कितना हो जाएगा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, X इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस थ्री, है ना। तो अब इसका नाम लिखिए, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है कौन कौन से लिगेट है यहाँ पे S2O. केवल H2O है, और कितने H2O है तो क्या बोलते हैं हेक्सा, और वाटर को क्या बोलते हैं एक्वा, और यहाँ पे न्यूट्रल चार्ज है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे आयरन, स्टेट क्या है इसका थर्ड, थर्ड स्टेट है, और यहाँ पे काउंटर आयन में क्या कौन सा आयन है Cl माइनस, तो उठेगा तो थ्री पॉजिटिव इसमें और नेगेटिव इसमें Cl माइनस, क्या लिख देंगे क्लोराइड, Cl माइनस को क्या बोलते हैं क्लोराइड, ठीक है। अच्छा इसको और वो नहीं जोड़े क्योंकि ये लिगैंड का काम नहीं कर रहा है, लिगैंड का काम जो अंदर रहेगा वही करेगा ना, ये तो काउंटर आयन है तो क्लोराइड, Cl लिगैंड का काम करेगा क्लोराइड, ठीक है जब अंदर होगा तो क्लोराइडो, ठीक है लिख लीजिए नाम। नाम फ्लेचर आज खत्म कर देते हैं,
K4 एफिशिएंट 6। अब यहां बताइए क्या लेंगे सबसे पहले, पोटेशियम। क्यों? क्योंकि काउंटर आयन है पोटेशियम। ठीक है, कितने लिगेंड है? 6। हेक्सा, यहां थोड़ा गैप दे दीजिए, काउंटर आयन के बाद थोड़ा सा गैप दे दीजिए। ठीक, उसके बाद कोई गैप नहीं देना है, काउंटर आयन के बाद गैप दीजिए, उसके बाद कोई गैप नहीं। तो हेक्सा अब क्या लिखे यहां पे? साइनो। और आप डिस्टेंस स्टेट निकालिए, Kp प्लस 1 तो 4 के पे कितना प्लस 4, Fp का x 1 cm पे माइनस 1 तो 6 cm पे कितना माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया प्लस 6 तो माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया प्लस 2, है ना। तो यहाँ पे हेक्सा साइनो और ये इस पे कौन सा थी 4 डाल रहा था, नेगेटिव थी पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज, तो क्या बोलेंगे फेरेट, क्या बोलेंगे फेरेट। और सेकंड क्लोराइड।
तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाए? एक्वा। कितना एक्वा है? टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो कोबाल्ट। किस स्टेट में है ये? सेकंड स्टेट। देखिए x प्लस जीरो माइनस टू इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू प्लस टू। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? जैसे लिखना पेंटा कार्बोनिल, तो पी ई एन
उल्टा कार्बोनिल, कोई गैप नहीं रहेगा, पेंटा कार्बोनिल आयरन, ठीक है। ये नाम लिखने का तरीका होगा इसका। क्वार्टिनेशन नंबर बताइए, जरा क्वार्टिनेशन नंबर बताइए। ये इनका क्वार्टिनेशन नंबर क्या होता, वो कौन सा डेंटेट है, बाइडेंटेट की मोनोडेंटेट, आयरन एथिलीन डाई में ना क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, जुड़ा हुआ मेटल से है ना, देखिए। और मार्कर कहाँ है, ऐसे जुड़ा है, इसका नाम लिखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, अरे मोनोडेंडेट एक्वा है, वाटर है, और एक बाइडेंडेट है, एक बाइडेंडेट दो कोऑर्डिनेशन नंबर बनाएगा, दो और चार कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, ये बाइडेंटेट लिगेंड है ना, तो दो नोड पे डोनेट कर रहा है ना, तो दो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा ना, तो दो और चार छह, इसका नाम क्या होता है, एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन। और एक चीज देखिए, यहां से एक और एक हुआ है और ही फॉर एथिलीन है, और एथिलीन डायमीन के अंदर पहले से डाई लगा हुआ है, लगा है ना, तो अब फिर यहां पर लिखना स्टार्ट करें। मान लीजिए दो एथिलीन होता, मान लीजिए दो एथिलीन होता, अभी तो इसको सिंपल कर देंगे, चलिए इसका नाम लिखिए, बता रहे हैं नाम लिखिए एथिलीन, अरे क्या लिखे, टेट्राएक्वा डाई एथिलीन ट्राई अमीन, और क्या निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल न्यूट्रल डाई, अरे ट्राई नहीं कर दिया, एथिलीन डायमीन। अब क्या लिखें इसका नाम, मेटल का नाम स्कैंडियम, क्या लिखें स्कैंडियम, ब्रैकेट में क्या, ब्रैकेट में क्या बताइए, प्लस टू जीरो, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो जीरो, ठीक है। अब क्या लिखे इसका नाम, डाई एक्वा डाई एथिलीन डायमीन, और कोबाल्ट जीरो, सही ना।
डाई एथिलीन डाई एक्वा है ना, डाई एथिलीन डाई अमीन और क्या कोबाल्ट ऑक्सीजन स्टेट यही लिखेंगे। रुक जाइए, गड़बड़ाइए नहीं। जब एथिलीन डाई अमीन यहाँ पे एथिलीन के अंदर पहले से डाई अमीन है तो दोबारा डाई यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके जगह टू के जगह बीस, थ्री के जगह त्रिस, चार के जगह टेट्रा किस, पांच के जगह पेंटा किस, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखते हैं बीस, गया। कोबाल्ट ईएन फाइव पॉलिनेशन नंबर होता है ना इसका कितना, सिक्स। आप समझ में आ गया? क्या लिखे नाम, नाम क्या लिखे? ट्रिस, ट्रिस मतलब तीन और एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट जीरो, ठीक है। डाई क्लोरो, अब क्या लिखें?
बीस डाइक्लोरो बीस ब्रैकेट में एथिलीन डाइड में नहीं डाई एथिलीन ट्राइड में ये ट्राइड लिगेंड है ठीक है ये लिखे हो ना ट्राइडेंटेट सब कुछ ट्राइडेंटेट को सभी लोग जाके देखते हैं तो स्ट्रक्चर क्या है इसका ट्राइड डाइएथिलीन ट्राइमेन का स्ट्रक्चर देखिए डाइएथिलीन ट्राइमेन का स्ट्रक्चर क्या है अच्छा चार्ज क्या
ये कॉम्प्लेक्स के, ये कॉम्प्लेक्स के है ना। अगर सोडियम क्लोराइड का नाम लेते हैं तो सबसे पहले वाला क्या आता है, पॉजिटिव स्पिन क्या आता है, नेगेटिव है ना। तो यानी पहला वाला कॉम्प्लेक्स क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये क्या आएगा, नेगेटिव। भाई सबसे पहले तो कैटायन लिखा जाता है, बाद में एनायन होता है, तो इस पे पॉजिटिव, यानी ये कौन सा पॉजिटिव वाला है, ये कौन सा नेगेटिव वाला, तो पूरे का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दें। इसको x रखिए प्लस, इसको क्या रखें प्लस, इसको x लिए है ना, pt को x लिए है ना, फिर से x प्लस, ये क्या माइनस 1, तो 4 माइनस 1 तो क्या हो गया माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। इस पे पूरे 50 कितना है 0, तो x x क्या हो गया 2x, 2x इक्वल टू प्लस 4, x इक्वल टू यानी एक pt पे प्लस 2, तो दूसरे pt पे भी प्लस 2, ठीक है। x की वैल्यू प्लस 2 आई तो दोनों का प्लस 2 प्लस 2। अब नाम लिख दीजिए क्या है यहाँ पे, टेट्रा अमीन प्लैटिनम, टेट्रा अमीन प्लैटिनम, और यहाँ पे सेकेंड फिर टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनम की प्लैटिनेट हो गया खत्म। क्या टफ था ये, अरे टफ था, हो गया। कोबाल्ट
थर्ड इधर बोलो जी हेक्साक्लोराइड क्या नाम इसका बताओ क्रोमियम तो हमने भी तो वही लिखा है क्रोमेटी तो लिखा है नहीं करोगे ये हो जाएगा ठीक है मान लेते हैं हो जाएगा ये क्या हो गया आपको ये नंबर मिलाएगा पांच नंबर वैसे ना तो चार चार क्वेश्चन आएगा बोलेगा तीन करके एक क्वेश्चन डेढ़ नंबर का ठीक है उनमें से दो क्वेश्चन तो नहीं जाएगा फिजिक वाला एक सिंपल दो ब्रीथिंग या तो एक ब्रीथिंग तो रहेगा ही रहेगा ठीक एक ब्रीथिंग रहेगा रहेगा और एक ब्रीथिंग रहेगा तो पहचान क्या है पहचान ब्रीथिंग का पहचान क्या है बोलिए अरे दो मेटल के बीच एक लिगैंड आएगा दो मेटल के बीच एक लिगैंड आएगा जब दो मेटल के एक बीच लिगैंड आएगा तो NH2 माइनस का नाम क्या होता है जी Amide2 क्या नाम होता Amide2 ठीक ये ना ये भी प्लस में स्टेट ये भी प्लस में है अच्छा आप कैसा स्टेट निकालिए जरा इसका कितना 0 प्लस x माइनस 1 इसका माइनस 1 प्लस इसका कितना x भाई कोबाइट कोबाइट है तो x x डिफरेंट होता है तो x y x x प्लस अमोनिया का कितना 0 इक्वल टू प्लस y equal to 2x equal to plus 6 x equal to plus 3 एक का plus 3 दूसरे का plus 3 नाम लिखे penta amine NH3 है ना penta amine कोबाल्ट
क्वार्ट, इसको क्या लिखेंगे? यहां तक कंप्लीट हो गया नाम, यहां तक कंप्लीट हो गया, यहां तक मैं नाम देख जाएगा, फिर से जो दोहराएंगे इसको, इसको क्या लिखेंगे? कौन सा कंपाउंड है? ब्रीदिंग है ना, ब्रीदिंग के वक्त बताया था हमने कितने मेटल इसको घेर रखे हैं, दो, तो ब्यू टू क्या लिखेंगे? तो कोबाल्ट यहाँ पे कितना चार्ज है? थर्ड, और डैश लगाइए ब्यू टू अमाइडो, फिर से पेंटा अमी कोबाल्ट, ये टफ है क्या? टफ है, हाँ हो जाएगा,
सारे एग्जांपल जो आप करेंगे करिए बैठ के।